अस्सलाम वालेकुम। के न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं हूं कुत्सिया अशोक। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। रुक करेंगे रेनाला का, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद खालिक लखवी। माशरे में औरत के आला किरदार और मुकाम को बरकरार रखना हम सब की जिम्मेदारी है। किसी भी मुल्क को कौम की तरक्की में खवातीन का किरदार हमेशा अहम रहा। बच्चियों को जेवर तालीम से आरास्ता करना, उनको वतन अजीज का जिम्मेदार शहरी बनाना, उनको बासलाहियत बनाकर पूरी दुनिया में ये पैगाम देना कि हमारी बच्चियाँ हर मैदान में आला सलाहियतों की मालिक हैं। इन ख्यालात का इजहार मैडम इरम नज़ीर तारड़ एडवोकेट उकाड़ा ने रशीदा बीबी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रेनाला खुर्द के ज़ेर एहतमाम खसूसी तकरीब से तालबात और असातदा से खिताब करते हुए कहा। इस मौके पर मैडम शमा नूर, मैडम मारिया, मैडम किरण शहजादी, मैडम मिस बारियाज, मैडम सबा बतूल और दीगर असातजा मौजूद थे। मजीद कहा कि हमारी नई नस्ल हमारा सरमाया अजीम है। इस वक्त जितने भी मसाइल हैं हमारी नई नस्ल में इतनी कुव्वत मौजूद है कि वो उसका बेहतरीन हल निकाल सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं वकालत के शोबे से मुंसलिक हूँ, मगर मैं बिला तफरीक और इम्तियाज़ बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए अपनी खिदमात पेश करती हूँ, जबकि बतौर वकील मुस्तहिक और बेगुनाह खवातीन की मुकदमात मुफ्त लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। खवातीन के हुकूक के लिए शाना बशाना खड़ी हूँ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।